सब्जी सब्जी बेच रहे हैं साड़ी तो 20 रुपये किलो है जे अडानी अंबानी के उपर मै वह लगन गए उन्होंने लोगो लगन गए उ सब्जी 150 रुपये किलो असी ले रहे उन्होंने। इस बार जो 2 साल ये जी फसल आई आडे को मंडी के फसल चुकन के जड़िया पेमेंट आनी जी अदायगी होनी सी कोई असर पिया सरकार अलग तो कोई जरा कानून जो किसानों वास्ते लिया की लड़ है। पूरा विश्व जरा मंदी के गुजर रहा आढ़ती भाईचारे वास्ते की मंग करते हो। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कुलवंत सिंह गगड़पुरी से तुसी वेख रहे हो जमी टीवी। दोस्तों, कोविड के चलद पिछले 2 सालों के हर कारोबार प्रभावित होया। इस दे नाल ही 3 काले कानून जिहड़े किसानां दे विरुद्ध जिन्हों किसान विरोधी जिहड़े कानून पास होए उन्हां दे नाल जिथे किसान प्रभावित होए उत्थे आढ़ती भाईचारा भी प्रभावित होया। अज साडे नाल ने आढ़ती एसोसीएशन अनाज मंडी दूध इंसादा दे प्रधान श्री चंद्रदत्त शर्मा जी, उन्हां दे नाल गलबात करदे हां कि कोविड के दौरान ते काले कानून आउण दे नाल आढ़ती भाईचारा जिहड़ा आ उह किन्ना प्रभावित होया। शर्मा जी, सत श्री अकाल। शर्मा जी, जिवें पिछले 2 सालों के दौरान हर व्यापारक अदारा हर उद्योग जिहड़ा है कोविड के चलदियां आर्थिक संकट के विच आया, आढ़ती भाईचारे नूं किन्ना कु प्रभाव पिया? आढ़ती भाईचारे नूं इसका बहुत ज़्यादा जिहड़ा प्रभाव पिया, क्योंकि जिहड़ी साडी लेबर है सानूं लेबर नहीं मिली, हर एक चीज़ जिहड़ा है वो महंगी मिली है, इसका जिहड़ा प्रबंध करना सानूं साढ़े वास्ते बहुत ही औखा हो गया सीगा। बिल्कुल जी, ये जिवें तुसीं दस्या कि हर चीज़ महंगी होई, महंगाई भी वधी आ, जदों कि पूरा संसार जिहड़ा वह आर्थिक संकट च आया तो महंगाई वधनी जिहड़ी उह सुभाविक ही सी। इस दे नाल ही चंद्रदत्त जी, जिहड़ा एक होर आढ़ती भाईचारे दे उत्ते जिहड़ी सट वजी आ उह आ किसानी दे जिहड़े काले कानून किसान विरोधी कानून आए आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। आढ़ती वर्ग खत्म हो गया, उहदे नाल जिहड़ी लेबर सी उह चली जाऊगी, जिहड़े मुनीम सी उह चले जाणगे, बेरोज़गारी आ जिहड़ी उह बहुत जिहड़ी आ उह वधूगी। तो जिमींदारां नूं आढ़ती बिना चैक तो बिना किसी सबूत तो, जे उहनां दी कोई किसी कुड़ी की शादी है, कोई मुंडे की शादी है, वह बिना उस तो चाहे 2 लख लैन, 4 लख लैन, अद्धी रात नूं भी जिहड़ा आढ़ती है वह अपने जिमींदार भरावां नूं पैसे देण वास्ते राजी हो जांदा भी लो भाई अपने काम नूं जिहड़ा उह चलाओ। पर जदों इह काम लागू चंगी तरह लागू हो गए तां फिर आढ़ती वर्ग तां मारिया मारिया जाऊगा, नाल मजदूर भी मरे जाणगे, किसान भी मरे जाणगे, सारिआं वास्ते जिहड़े तिन्ने जिहड़े इह भयानक जिहड़े कानून ने इह मोदी साहब नूं रद्द करने चाहीदे ने। जेकर उह रद्द नहीं करदा तां इहदे जिहड़े नतीजे ने उह भी जिहड़े ने उह भयानक निकलणगे। जिवें तुसीं दस्सिआ कि इहदे नाल जिहड़ा आ आढ़ती भाईचारा, किसान भाईचारा ते मजदूर भाईचारा सारे ही प्रभावित हुंदे आ, ते तुसीं भी कहा कि इहदे सिट्टे भयानक निकलणगे, सिट्टे निकलने तो शुरू हो गए। एक जिहड़ी तुसीं बड़ी वधिया गल कीती आ कि आढ़ती ते किसान दा रिश्ता खत्म हो जाएगा। हुण वेखण विच इह आउंदा रिहा चंद्रदत्त जी कि किसी किसान दी धी दा जां पुत दा जिहड़ा कारज है, विआह आ, मंगणी आ, उह हुंदी सी तां उह आ के अपने कारज वास्ते तुहाडे तो बिना किसी रसीद तो पैसे लै जांदे सी। एक तां इह सी, दूजी चीज़ इह सी कि आढ़ती भाईचारा जिहड़ा आ हर टाइम किसान दे नाल खड़ा सी, उहनां नूं दवाइयां खादां उह मुहैया करवाउण वास्ते। लेकिन जे इह सारे सारा कुछ खत्म हो जांदा आ तां किसान जिहड़ा आ छोटा किसान आ उहदा की हाल होएगा, ते नाल नाल जिहड़ी कंट्रैक्ट फार्मिंग आ ठेके ते जमीन आ उहदा की असर होएगा? इस दे नाल जिहड़े कानून ने छोटा किसान तो वैसे ही रुल जूगा, बड़े किसान का तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ चलूगा, जिहड़ा छोटा जिमींदार है वो कुछ लै जाऊगा, क्योंकि किसी ने उन्हें पैसे नहीं देने बेचारे जिहड़े हुण सिस्टम है जिहड़ा वो नहीं चलूगा।
कंट्रैक्ट फार्मिंग जी आ जिमें सुनने आया कि मोदी साहब ने कनेडा तो अमरीका का जोड़ा मॉडल लैके आता कनेडा तो अमरीका के जी पॉपुलेशन बहुत घट है साढ़े तो इतने 135 करोड़ तो भी असं उपर टप चुके हैं तो इतने जो तो कंट्रैक्ट फार्मिंग होंगी जोड़ा असर है वो आम जो आम लोगों के उ किमें पेगा आम लोगों क्योंकि जी जमीन है मोदी चाहता कि ना कानून के नाल जी जमीन है वो अडानी अंबानी देनी चाहता कि वह अपनी मर्जी न जिमीदार तो कोई भी फसल वो आप करा आप वेचन जे साडे जिमीदार भरा ने उन्होंने वेले कर दे एक होर संदेह लोगों के जड़ा पैदा हो रहा कि जेडे ये वड्डे पूंजीपति ने जे इन्हों को जमीन आ जाती है तो जोड़ा आटा भी पैकेटों विकेगा हर चीज़ जोड़ा राशन आ जोड़ा हूँ किसान मजदूर जोड़े ने वो 6 महीने का अपना राशन जोड़ा आ सामभ लेंगे तो वो जोड़ा पैकेटों के ब्रेंडड आटा ब्रेंडड जड़िया चीज़ा होनगियाँ वो लोग कह रहे कि वह बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगी की ख्याल है थोड़ा वो तो महंगी तो हो जी क्योंकि फिर जिमीदार को कुछ रहना नहीं इन्होंने अंबानी अडानिया ने ही जिमीदार आप देना साढ़े तो जिमीदारा तो घट रेट पर तो लोगों फिर पैकेटों कुछ हूँ सब्जियां नहीं देख लो जे असी सब्जी बेच रहे हैं साड़ी तो 20 रुपये किलो है जे अडानी अंबानी के उपर मै लगनगे उन्होंने लोगो लगनगे उ सब्जी 150 रुपये किलो असी ले रहे उन्होंने ये हूँ भी चल रहा हूँ भी चल रहा जी हूँ भी बाकी चल रहा भी ये जरा सोचना पैना सारे लोगों जोड़ा पंजाब का जोड़ा किसान है उन्होंने सारियां जागना पैना एक मुठ होना पैना सब अपनी पार्टियां बाजियों तो उपर उठ के ता ही जोड़ा है कुछ प्रेसर पेगा दबाव पेगा ता ही ये कानून जोड़े ने रद्द हो गए इस बार जोड़े 2 साल ये जी फसल आई आडे को मंडी के फसल चुकन के जड़िया पेमेंट आनिया सी अदायगी होनी सी कोई असर पिया चलो जी साढ़े मानयोग मुख्यमंत्री महाराजा अमरिंदर सिंह जी इन्होंने सानू किसी भी प्रकार की जी लिफ्टिंग दे किसी भी प्रकार की कह पेमेंट होवे भावें कोई दिक्कत नहीं आन दी चाहे कोई बारदाने का सी हर एक जोड़िया फसलों सगिया वो पूरी चुकिया समय समय से चुकिया गई एक जेडे साढ़े हल्के दे नुमाइंदे ने सरदार हरिंद्रपाल सिंह जी हैरीमान वो भी बहुत मेहनत जोड़े कर रहे ने उन्होंने भी जो पिछे कणक का सीजन लग्या घट्टो घट्ट उन्होंने हर एक मंडी तीन तीन चार चार गेड़े मारे ने वो आप चैक कर रहे थे कि किसी कोई बारदाने की घाटता नहीं या कोई लिफ्टिंग तो नहीं हो रही किसी कोई ऐसी गलत पेमेंट नहीं आ रही उन्होंने भी जोड़ा हल्के वास्ते साढ़े वास्ते बहुत वधिया जोड़ा उपराला किया मैं उन्होंने भी अपने वालों तो अपने आड़ती अर्शन नाजमंडी दुद्धन साधा वालों सरदार हरिंद्रपाल सिंह हैरीमान जी का भी मैं तय दिलों इस गलों धन्यवाद करता कोई दिक्कत कोई नहीं आई चंद्रदत्त जी तुम आड़ती एसोसीएशन के प्रधान तो हो नालों नाल तुम एक नेता भी हो कांग्रेस के लीडर भी हो तो समाज सेवा के भी तुहाडा इलाके दे विच नां लिया जांदा आ झोना बीजन करके साडा जिहड़ा धरती का पानी बहुत थले चला गया बड़ी वड्डी समस्या आ तो जिहड़ी सूबे की सरकार आ अज भावें कांग्रेस सरकार आ जां कोई कल नूं होर आउंदी आ उहनूं की सुझाव दोंगे कि किसान वास्ते कोई इहो जी बदलवीं फसल दा जां किसानां नूं कोई मदद कीती जावे बागवानी जां कुछ होर इहो जिहा चीज़ लियांदी जावे जिहदे नाल असीं नीचा जिहड़ा पानी खत्म हो रिहा उहनूं बचा सकीए गल इस तरह जी किसान भी अदरवाइज आपां छोले बोवांगे या सरसों की खेती करांगे या कोई आलू लावांगे या कोई होर जिन्नियां भी जिहड़ियां अपनियां ने सब्जियां लावांगे उन्हां दा भी जिहड़ा रेट है वह भी जिस तरह कणक दा या जीरी दा वह भी फिक्स होना चाहिए ता ही जिमीदार वह फसलों नूं उगाऊगा उहदे ते MSP जिहड़ी आ उह अलग उह देनी चाहिए MSP उह जिहड़ी आ उह लागू होनी चाहिए है कि भाई यह रेट होगा ता ही जिमीदार लाऊगा सूबा सरकार नूं अलग तो कोई जिहड़ा कानून जिहड़ा किसानां वास्ते लियाउण दी लोड़ है हाँ जी सूबा सरकार नूं भी अपना पूरा ध्यान देना चाहिए क्योंकि जे अन्नदाता ही मर गया फिर सारा संसार एक मर गया हुण देखो किन्ने महीने हो गए ने अन्नदाता रुल रहा सड़कां ते दिल्ली दे बैठे बॉर्डरां ते जे उही भुखा मर गया तो बचूगा की सुक्की टौरां दा कोई फायदा नहीं
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਯੰਤਰ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾੜੀ ਦੇ ਯੰਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਯੰਤਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ? ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਾਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਯੰਤਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਰੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਕਣਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਬੋ ਲੈਣ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਓ ਕਰਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵੱਡੀਆਂ, ਆਪੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੰਡਿਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ TV ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਗੜਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।